आज मैं वेज मोमोज बनाने जा रही हूँ। वेज मोमोज बनाने के लिए हमें चाहिए 300 से 350 ग्राम बारीक कटी हुई पत्ता गोभी, 2 छोटे चम्मच लहसुन का पेस्ट, 4 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, नमक स्वाद के अनुसार, 3 बड़े चम्मच तेल, 250 ग्राम मैदा और पानी। आइए अब हम मोमोज बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मोमो का आउटर कवर बनाएंगे। उसके लिए मैं एक बाउल में 250 ग्राम मैदा लूंगी, उसमें 1/4 चम्मच नमक डाल के अच्छी तरह से मिलाऊंगी और पानी डालकर थोड़ा थोड़ा पानी डालूंगी और इसे नरम आटा गूंथ लूंगी। ये हमारा आटा अच्छी तरह से गूंथ गया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा तेल डालूंगी और अच्छे से मसल लूंगी। और इसे मैं 10 से 15 मिनट तक ढककर रख दूंगी। आइए अब हम मोमोज के लिए फिलिंग बनाने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक बड़े बाउल में ये 350 ग्राम बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी लूंगी। इसमें मैं लहसुन का पेस्ट डालूंगी, 1/2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई डाल दूंगी और अच्छी तरह से मिलाऊंगी। ये अच्छी तरह से मिल गया है। अब इसमें मैं 2 छोटा चम्मच तेल डाल दूंगी, साथ ही स्वाद के अनुसार इसमें मैं नमक भी डाल दूंगी और अच्छी तरह से मिला लूंगी। ये हमारी फिलिंग मोमोज के अंदर डालने के लिए तैयार है। अब 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। हम ढक्कन खोल लेंगे और आटे को अच्छी तरह से मसल लेंगे और इसके बाद हम इसके छोटे छोटे पीसेस बना लेंगे। ये देखिए, इसके छोटे छोटे हमने पीसेस बना लिए हैं और अब हमको इसकी पूरी बनाना है, तो इसको हम बेल लेते हैं। इसको हम थोड़ा आटा लगाकर इसे हम पतली पतली पूरी बेल लेंगे और ये हमें किनारे किनारे से बेलना है, बीच में थोड़ा सा मोटा रखना है ताकि जब हम फिलिंग करें तब जब स्टीमिंग होगा इसका तो वो पतला होने के कारण टूटे ना। इस तरह हमने पूरी बेल ली। इसी तरह से हम और बेल लेंगे।
हमने चार पूरी बेल ली। अब हम फिलिंग करना स्टार्ट करते हैं। हम मोमोज में फिलिंग करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम एक पूरी लेंगे, उसके अंदर फिलिंग करीब 1.5 चम्मच लेंगे। अब हम इसे अपने हाथों से पहले साइड फोल्ड करेंगे, फिर इस तरह से एक फोल्ड को दूसरे फोल्ड से मिलाते जाएंगे। इसे मिलाकर बीच में दबा देंगे। इस तरह से ये हमारा मोमो तैयार हो गया है। अब हम इसे प्लेट में रखते जाएंगे। इसी तरह से हम सारे मोमोज जो है फिलिंग डालकर बनाते जाएंगे और तैयार कर लेंगे। ये देखिए, वैसे मोमो जो है अलग अलग शेप में हम बना सकते हैं, लेकिन राउंड शेप वाला सबसे अधिक पॉपुलर है और अच्छे से इसमें स्टीमिंग भी होती है, इसलिए हम राउंड शेप वाला ही सारा मोमो बनाएंगे। ये देखिए ये मोमो, इस तरह से हम सारे मोमो तैयार कर लेंगे। अब हमारा मोमो बनकर तैयार है, आइए अब हम इसकी स्टीमिंग करते हैं। आइए अब हम मोमोस को स्टीमिंग करेंगे। सबसे पहले मैं गैस ऑन करके इस कढ़ाई में डेढ़ ग्लास पानी डालूंगी। ये डेढ़ ग्लास पानी मैंने डाल लिया है। अब इसको मैं उबलने के लिए रख दूंगी। साथ ही मैं एक जाली ली हूँ, छन्नी ली हूँ। इस छन्नी को मैं तेल लगाकर चिकना कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने तेल लगाया है और चिकना कर लिया है। जब तक हमारा पानी थोड़ा गर्म होता है, हम सारे मोमोज को उठाकर इस छन्नी में जमा लेंगे। के ऊपर हल्का हल्का हम तेल लगा लेंगे। ये हमने इसमें हल्का तेल लगा लिया है। अब इस कढ़ाई के अंदर मैं इस जाली को, छन्नी को डाल लूंगी और इसे ढक्कन से ढककर 10 मिनट तक मैं हाई फ्लेम में इसे स्टीमिंग करूंगी। अब 10 मिनट हो चुके हैं, हम गैस का फ्लेम कम कर देंगे, सिम में रखेंगे और देखेंगे ढक्कन उठाकर कि मोमो तैयार है कि नहीं। हमारा मोमो बिल्कुल तैयार है। अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेंगे और इसे हम लहसुन और लाल मिर्च की चटनी और हरी चटनी के साथ सर्व करेंगे। यदि आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आती है तो मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।